वीडियो ऑन है। और ये भाव खाते हुए मेरे हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और सुबह 11 बज रहा है और हम जा रहे हैं सब्जी लेने। सब्जी लेके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ सब्जी की शॉप पे। और ये है हमारा अम्मा। हम जो हम मार्केट जा रहे थे और हमारा पीछा कर रहा था, उसका कहना था कि मैं भी साथ में चलूँगा। अच्छी ताज़ी सब्जी है। हम लोग आए थे और यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी फ्रूट्स की दुकान है और हम लोग रमज़ान में भी यहीं से लेते हैं। ये भोजन है। हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम मार्केट से। मार्केट बोला तो यहीं गए थे, जाफरनगर में थोड़ी दूर में। हम फ्रूट्स लिए, मेरी बेटी आने वाली है आज उसके लिए, और हम लोग भी खाएंगे, वो भी खाएगी। मतलब वो फ्रूट्स खाती नहीं है और उसने आलू बुखारा और नाशपाती बोली थी, तो हम लोग लेकर आए और मेरे लिए केला लेकर आए हम लोगों ने। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, फिर जाऊँगी रोटी बनाने, मेरे हस्बैंड गए नहाने, फिर हम करेंगे नाश्ता। नाश्ता होता है हमारा 12 बजे हो जाता है, पर सब्जी लेना ज़रूरी था, सब्जी पूरी ख़त्म हो गई थी इसीलिए 12 बज गए। तो मैं जाती हूँ हम रोटी बनाने, फिर आपको मिलती हूँ फ्री होने के बाद। बाय। और फ्रेंड्स, ये दोपहर में बनी थी चिकन टिक्का बिरयानी मेरे बेटे की फरमाइश से, जो बहुत टेस्टी थी। इसकी रेसिपी आपको अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर ब्लॉगर। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और आज बन रहा है संडे स्पेशल एग रोल। एक्चुअली मेरे बेटे का वीडियो बनाना है मुकबंग का, तो उसके लिए बन रहा था, तो हमने सोचा हम सभी नाश्ता कर लेते हैं। काफ़ी लेट हो गया है, नाश्ते का टाइम नहीं है, तो खाने का टाइम हो गया है, मगर लेट ही उठे हैं संडे को सब। तो ये हो रही है तैयारियाँ, देख सकते हैं। सलाद कटिंग हो चुकी है, अंडे आ चुके हैं, तो मैं पराठे प्रिपेयर मतलब रोटियाँ प्रिपेयर करती हूँ, फिर आपको रेसिपी शेयर करूँगी। ओके बाय। तो फ्रेंड्स, पहले हम डालेंगे तेल अंडे के लिए। यह तेल जरा सा मीडियम आंच में रखेंगे, एकदम फुल में नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा फैला दो। पानी गर्म हो रहा है। मीडियम आंच पे देखिए, और फिर मैंने अंडे सब एक साथ फेंट लिए, आप एक एक अंडे भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। अंडा डालिए कितना आपको चाहिए, उसको फैलाइए। ये हो गया, ये कच्ची पक्की रोटी मैंने बना के रखी हुई थी। अब हम इसके ऊपर चेक कीजिए आपका ऑमलेट पक गया है क्या। ऐसा करने से ये रोटी अंडे पे चिपक जाती है। थोड़ा सा रोटी को इसी तेल में क्रिस्प करेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगी। ये मैदे की रोटी है, आप आटे की भी रोटी बना सकते हैं, आपके पसंद के ऊपर है। तो दोनों ही चीज से बनाते हैं। आप इसे मीडियम आंच में पकाएंगे तो आपका अंडा भी पक जाएगा और रोटी भी बहुत अच्छी तरीके से पक के क्रिस्पी हो जाएगी, आपको खाने में मजा आएगा। तो ये मेरी रोटी भी हो गई है, मैं आपको एक बना के बता दे रही हूँ। इस पे डलेगा चिली सॉस, ब्रेड क्रश,
अब डलेगा केचप। हाँ बेटा, ये भी स्प्रेड होगा। अब डलेगी इसमें सलाद, भर भर के सलाद डालिए जैसे आपको पसंद हो। इसमें डलेगा काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें, जरूर डालें सलाद के ऊपर। और काटना, तो इसको फोल्ड करने के पहले आप अगर इसमें टिश्यू लगाना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से लगाएंगे। देखिए ये टिश्यू रख लिया मैंने, ये फर्स्ट फोल्ड किया, इसमें ये टिश्यू फंसाया, ये, और अब इसको रोल कीजिए। मैं वैसे इसको काट के देती हूँ, पर आज अयान का वो है ना मुकदम, तो ऐसे ही बना रही हूँ। रेडी हमारा रोल, इस तरीके से बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टी बनता है। तो ठीक है, मैं बाकी की बनाती हूँ, आप ये रेसिपी को नोट कर लीजिएगा। बाय। बन गए हैं मेरे एग रोल्स, मेरे हस्बैंड अयान का शूट भी हो गया, लोगों ने खा भी लिए। अब बैठे मैं और मेरी बेटी, ये हमारी प्लेट है, ये है तीन एग रोल, ये एक और ये दो के हमने पीसेस करे हुए, तो हम खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और आप लोग भी अपने घर में बनाएं और मज़े कीजिए। सच्ची बता रही हूँ कि बाहर आप खाने जाइए वो बहुत छोटे रहते हैं, उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, और उससे ज़्यादा टेस्टी, उससे ज़्यादा टेस्टी आप जो घर में बनाएंगे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, अपने हक का स्वाद रहता है, और अपनी मर्जी से अंदर आपकी सलाद रहती है, और जो सलाद है उसमें आप शिमला मिर्च, गाजर, ककड़ी, प्याज, हरी मिर्च जो आपको लगता है डालिए, बहुत मज़े के लगते हैं। उसमें पनीर भी डाल सकते हैं आप चाहे तो चीज़ भी डाल सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। आप बनाएं और खाएं। अब देखिए मैं, आप याद करेंगे मेरी रेसिपी को, बस ये रेसिपी और भी चैनल से मिलती होगी, आप मिल जाएगी, कॉमन है एग रोल, ख़ास तौर पे बंगाली डिश है, ये कलकत्ता का स्ट्रीट फूड है और मुझे बहुत पसंद है बचपन से ही। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको खाने के बाद।